तो गाइस अभी हम आ चुके हैं आगरा के सदर बाजार में और हम लोग बस सदर की चाट गली में पहुंचने वाले हैं। तो वहां पर खाएंगे बहुत यम्मी यम्मी चीजें क्योंकि हम लोग पूरा थक चुके हैं लेकिन अभी भी हमें चढ़ना ही पड़ रहा है। तो अभी बस हम लोग थोड़ा सा दूर है चाट गली के, चाट गली आने वाली है फिर हम लोग खाएंगे यम्मी यम्मी चीजें। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं आगरा के सदर बाजार में चाट गली में, यहाँ पर हम लोग खाएंगे बहुत यम्मी यम्मी चीजें और बहुत मजा आएगा खाने में। देखते हैं चलिए कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। तो पहले हम लोग आए हैं काला खट्टा ट्राई करने, अभी हमारा काला खट्टा अभी क्या ही आ रहा है तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। खट्टा डाल दिया तब ये हो गया हमारा काला खट्टा। ये हमने दो अंडा के हमने दो आ रहे बोलो। तो ये देखिए ये है हमारा काला खट्टा जो कि देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, खाने में भी और ज्यादा हो रहा। काला खट्टा पूरे आगरा में सिर्फ सदर बाजार की चाट गली में ही मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं स्पेशली ट्राई करने के लिए और ये बहुत ही ज्यादा यम्मी है। आलम आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया आलम, को ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा है तो मजा आ गया मुझे खाकर। मुझे भी ये बहुत ही ज्यादा खट्टा है। मैं तो पूरा फिनिश नहीं कर पाऊंगी इसीलिए आप सभी को भी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज्यादा अच्छा है सच्ची में, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ठंडा है साथ खट्टा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप भी आइए और आप भी साथ में बताइए आपको कैसा लगा और आपको नहीं खा रहा चाहे तो हमें कमेंट में बताइए। अब मैं ये आलम को देती हूँ, पता चला मेरा गला चौक हो जाएगा तो मुझे बहुत सारी मेडिसिन लानी पड़ेगी और मैं खाना नहीं चाहती हूँ। और सो अब हम और भी चीज़ें ट्राई करेंगे, बने रहे वीडियो के एंड तक। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं क्वालिटी पराठा में और हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं पिज्जा पराठा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि पिज्जा पराठा कैसा होता है क्योंकि मैंने नॉर्मल पराठा सुने हैं, लच्छा पराठा सुना है, पनीर पराठा सुना है लेकिन पिज्जा पराठा आज तक नहीं सुना है। तो इसलिए हम लोग आज पिज्जा पराठा ट्राई करेंगे। आलस कह रहा है कि पता नहीं इसमें पिज्जा होता है या पराठा, तो वही सब चीजें हम आपको दिखाएंगे और आज हम लोग शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं ये आ गया है हमारा पिज्जा पराठा। तो ये है हमारा पिज्जा पराठा, ये देखने में बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है और इसके अंदर पूरा पिज्जा की स्टफिंग हो रखी है, पराठे के अंदर पिज्जा, इसीलिए इसका नाम है पिज्जा पराठा। और ये देखिए इसके साथ दी गई है सॉस, मेयोनीज, चटनी और ये है पनीर की भुर्जी। ओ पनीर की भुर्जी मतलब देखा ही नहीं, चीज बहुत अच्छे से भरा है। पनीर मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी है। ये देखिए इसके अंदर कॉर्न है, कैप्सिकम है, प्याज है, ब्रोकली है, चीज है, तो इन सब चीज की स्टफिंग की गई है इसमें, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है खाने में, एकदम टेस्टी। तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ का पिज्जा पराठा। इंतजार किस बात का? मेरा हाथ चल गया। बहुत ज्यादा गर्म है ये, मेरे तो पूरी उंगली चल रही वाली। तो यहाँ बहुत ज्यादा तीखा है, एकदम स्पाइसी है, मजा आ गया। बहुत ज्यादा बढ़िया है और इसका स्वाद
पिज्जा के जैसा है और पूरा पराठे जैसा। अच्छा बहुत बढ़िया है, आप भी आइए और साथ एक देखिए। और आपने पहली खाया है यहाँ पे तो आप लिखो, मैं कमेंट में होता है। ओ ये मेरा है, तो अब मैं इसे मेयोनीज के साथ ट्राई करूंगी। बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए यहाँ पर पानी पूरी मिलती है, वो भी 6 फ्लेवर्स के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तो हम लोग ये भी ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ये भी ट्राई करके देखते हैं। यहाँ का जो पानी है वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। यहाँ का पानी बहुत ही तीखा था। तो प्राइस है 20 रुपीज में 6 पानी पूरी। भैया आपके पास कितने तरीके के पानी है? अच्छा कौन कौन से? कोक वाला है, पुदीना है, गार्लिक है, जलजीरा है, मीठा है, लेमन। जीरा, गार्लिक, लेमन, जलजीरा, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं यहाँ पर आपके लिए। और आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? 7 ईयर्स। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी पानी पूरी होती है यहाँ की। अभी हमने भी ट्राई करी थी, बहुत ही ज्यादा मस्त फ्लेवर था पानी का। तो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी हो गया था तीखा, तो मुझे बहुत टेस्टी लग रही थी, इसीलिए अब हमने लिया है गुलाब जामुन, जो कि बहुत ज्यादा हो जा रही थी। तो अभी हम लोग गुलाब जामुन ट्राई करेंगे। बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर है इसका, और जितनी भी मिर्च लग रही थी अब एक बार में फिनिश हो चुकी है, क्योंकि गुलाब जामुन से मीठा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो मुझे इसे खाकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे भी। और यहाँ का रसगुल्ला इतना फेमस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये 30 रुपीज में आपको इतना बढ़िया रसगुल्ला यहाँ पे खाने को मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसा रसगुल्ला कहीं भी मिल पाएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, और मतलब इतना मीठा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा रसगुल्ला और भी कहीं मिल सकता है। बहुत बढ़िया है, आप भी आइए और खाके बताइए आपको कैसा लगा। आज का रसगुल्ला जो था वो बहुत ही ज़्यादा मीठा था, इतना टेस्टी था, बहुत मज़ा आया खाकर मुझे भी। अब मैं वापस नमकीन खाने आ गई हूँ। हमने ऑर्डर किया, तो हमने अभी ऑर्डर किया है एक चीला, तो मूंग की दाल का चीला। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं मूंग की दाल का चीला खाने के लिए। और खत्म ही नहीं हो रहा, फिर खट्टा मीठा खट्टा मीठा। हम ट्राई करेंगे हर चीज़, ट्राई करेंगे जो भी यहाँ की फेमस है। तो फ्रेंड्स हमें अभी बहुत प्यास लग रही थी, इतना सारा खाना खाया है, तो इसीलिए अभी हमने पानी की बोतल मंगाई है, ठंडा पानी है, और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड पानी है, इसीलिए हम इसे ग्लास में कर लेते हैं। तो गाइज हमारा मूंग की दाल का पनीर चीला आने वाला है, हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, बस थोड़े दिन आ ही जाएगा। तो गाइज अब वेट खत्म हुआ, हमारा मूंग की दाल का पनीर चीला आ चुका है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ चटनी आई हुई है, ये देखिए। तो हम सब अभी ट्राई करने वाले हैं ये मूंग की दाल का पनीर चीला। आप देख सकते हैं इसमें पनीर डाला है और मुर्गा बना हुआ है। ये बहुत हेल्दी होता है हमारे खाने के लिए, ये हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। तो ये चीला बिना टेंशन के खाइए। और यहाँ का चीला भी बहुत टेस्टी है। थोड़ी स्पाइसी है, काफी भी अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स हमने चीला पूरा फिनिश कर लिया है, और अभी प्लेट खाली हो चुकी है, और हमने अब नेक्स्ट ऑर्डर किया है पनीर चाउमीन। तो अब बस हमारी पनीर चाउमीन, तो हमारी अब पनीर चाउमीन आने वाली है। चलिए उसे भी ट्राई करके देखेंगे कि कैसी है पनीर चाउमीन। तो बता थोड़ी यही, और हमारे लाइक करना ना भूलें।
मिलेगा। हाँ जल्दी बता दीजिए। टंग टंग टंग। तो फ्रेंड्स हमारा वेट खत्म हुआ, तो हमारी अब चाउमीन आ गई है, पनीर चाउमीन। अब हम इसे ट्राई करके देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है और ये कैसी है। और ये चटनी आई है और ये दो सॉस ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ट्राई करके देखते हैं। तो ये बोला टेस्टी है और पनीर का भी इसमें बहुत ज्यादा फ्लेवर आ रहा है। और खैर मेरे लिए बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा स्पाइसी है। इसमें कैप्सिकम डली हुई है, पनीर डला है, अनियन डला है, ऑनियन ऑनियन स्प्रिंग ऑनियन है, कैबेज है। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका टेस्ट। बहुत ही यार टेस्टी है, मजा आ गया। तो ये है बास्केट चाट, अब हम इसे ट्राई करने वाले हैं। पानी बोतल दे देना चाचा। ओ बास्केट में चाट, इसलिए बास्केट चाट। बहुत ही टेस्टी है। और ये इसमें दही भी डाला हुआ है, अनार डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं नमकीन है। ये आपकी शॉप का क्या नाम है? तिवारी चाट एंड फास्ट फूड के नाम से है। तिवारी चाट एंड फास्ट फूड के नाम से इनकी शॉप है। और आप यहाँ पे कितनी टाइम से है? 7 से 8 साल हो गए। 7 to 8 years से है ये यहाँ पर। और आप क्या मतलब क्या क्या मिलता है यहाँ पे? पापड़ी चाट, बास्केट चाट, सीवपुरी, फास्ट फूड में पास्ता, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, अच्छा पाव भाजी वगैरह सारा कुछ। पास्ता, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और चाट, बास्केट चाट, बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर जरूर आइएगा। तो फ्रेंड्स हम अभी सब कुछ खाकर आ गए हैं और अब हमें नहीं लगता कि हम उससे भी ज्यादा खा पाएंगे, इसीलिए कुछ चीजें हमारी रह गई थी वो हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में खाएंगे। और तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक